तो उसको अपना फिर बड़े बड़े शोज बाहर जाके करना, ये करना आज तक कोई नहीं कर सका। और दूसरा, मैं बहुत ऑनेस्ट इसमें बात कर रही हूँ कि लोग कहते हैं ना कि जी हम तो ये पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं कसरियाँ कहती हूँ कि मैंने जब ये शुरू किया था तो मेरे माइंड में था कि मैं इसका इमेज इस तरह रखूँ कि मेरे मुल्क का या मेरा या किसी का भी इमेज ख़राब नहीं हो। हम इमेज ख़राब करके जब रेटिंग या चीज़ें, या रेटिंग तो अब शुरू हुई है लेकिन समझते हैं कि वो अटेंशन लेना वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे हमेशा ये रहा कि अगर फला ये करता है बाहर का मत तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ फला ना। तो ये भी एक जो आप पूछते हैं कि फिर डायरेक्ट नहीं किया, अभी बहुत अच्छे से सोच रही हूँ कि एक फिल्म करी लूँ। मेरे ख्याल है फिल्म लो भी हसन, तो फिल्म ही करना चाहिए। अब क्या करूँ, अब ड्रामा 13-13 एपिसोड तो नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल है शायद अगर सेहत ने और टाइम ने कुछ, नहीं नहीं इंशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी बहुत बड़ी एक खुशखबरी होगी, अनाउंसमेंट होगी कि अगर आप एक दफा नूरुल रज़ा से लिखवा भी रही थी और कुछ लिखा भी उसने, कभी उमेरा से कहती हूँ उमेरा मेरे लिए लिख देना। तो अगर कोई अच्छी मिली, मुझे ये नहीं है कि वही फिल्म होनी चाहिए बिल्कुल, कि जिसको आप भी इंजॉय करें दूसरे भी इंजॉय करें। लेकिन पता नहीं मेरी किट्टी में इतने काम आ जाते हैं खुद, वो एक लोग होते हैं ना खुद को फंसाते रहते हैं। अब ये भी है कि मैं कोई इंस्टीट्यूट खोलूं, अब ये भी होता है कि यहाँ जब बाहर जाती हूँ, बाहर बहुत जाती हूँ, मेरा ख्याल है कि 50 मुल्क तो घूम चुकी हूँ माशाल्लाह। तो हर जगह फिल्म फेस्टिवल चीज़ें जब देखती हूँ, जब चाइना में भी मुझे वो अपनी जूरी में बुला रहे हैं, कैनेडा में भी इधर उधर, तो मुझे ये दुख होता था मेरे मुल्क में क्यों नहीं। तो मैंने फिर वो फिल्म फेस्टिवल शुरू किया, बहुत बड़ा किया, अच्छा किया, और पूरा एक महीना बच्चों को ट्रेन कराती रही। और आप लोगों को तो पता है वो कि उसको फिर बहुत लोगों ने हेल्प भी की, और मैंने कहाँ कहाँ पे वो उसकी शोइंग नहीं की, तो वो उस तरह लोगों को दिखाया, यारी से इतने अच्छे बच्चे निकले। तो ये तो मैं अभी सबको कहती हूँ कि अब मुझे मेरे शौक का काम होना चाहिए बिल्कुल, तो वो मैं करती भी रहती हूँ, बच्चों को ट्रेन भी करती रहती हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ बाकायदा एक ट्रेनिंग सेंटर हो, स्पेशली जो टेक्नीशियन ये बच्चे जिनके लिए हम क्या समझते हैं कि एकेडमी खोलेंगे सिर्फ ड्रामा सिखाएंगे, एक्टिंग सिखाएंगे, राइटिंग सिखाएंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन बच्चों को कौन सिखाएगा टेक्निकल काम बिल्कुल। गोइंग फॉरवर्ड हम टीवी का विजन अगले साल या उससे अगले साल, किस तरह के ड्रामे आप लगता है कि आप ऑडियंस को पेश करेंगे? इस वक्त जो है हम लोग इस पे काफ़ी कंटेंट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जहां आपके 21-21 ड्रामे एक वीक में चलेंगे तो उसमें कुछ बुरे कुछ अच्छे हो जाएंगे और कभी अच्छे भी गायब हो जाते हैं। लेकिन इस मतलब मैंने कहा कि नहीं भाई अब बैठो, मैंने काफ़ी अच्छे से, मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती थी लेकिन अब मैंने कहा एक दो मैं पढ़ूँगी, मेरी टेबल पर अभी वही थे जो मैं पढ़ रही थी कि मैं देखूँ कि क्या हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं अपनी नहीं, मैं समझती हूँ सबको कोशिश करनी चाहिए, तो हमारे बहुत अच्छे प्लेस आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। अब उसमें ये ना कहिएगा कि दो ख़राब आ जाए तो मेरी गर्दन काट शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन तो दाना का एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि आजकल बड़ी डिबेट भी इस पर हो रही है कि कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो हैं सोशली रिफॉर्मेटिव, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, रेप हो गया, हरासमेंट होगी, इस पर बहुत ड्रामे बन रहे हैं, लेकिन लोग जो कंजर्वेटिव हैं वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि जी ये बड़े मायूब सब्जेक्ट हैं, हम फैमिलीज के साथ बैठ के नहीं देख सके, इन पर ड्रामे मत बने। आपका क्या ख्याल है इस मौजूद पर? मैं समझती हूँ कि ज़रूर बनने चाहिए, ज़रूर बनने चाहिए, एग्जीक्यूशन जैसे आपने कहा कि वो तरीका, जैसे आपने मिसाल उडारी का भी दिया, किसी ने चाइल्ड अब्यूज पे नहीं बनाया था, मैंने बनाया जी। उसके बाद 50 लोगों ने बनाया, लेकिन तरीक़ेकार ऐसा होता है कि उसके बाद जब उडारी बंद किया तो
सारी सोशल मीडिया भर गई थी कि गलत बंद कर रहे हैं, ये सही है, इसको चलने दें, और शायद उसी लिए बच भी गई मैं। तो बनाना चाहिए, लेकिन तरीके का करहत वाला नहीं होना चाहिए। इसको आप इस तरह दिखाएं कि बस। दूसरी बात मैंने कहा ज़रूर होना चाहिए, वो क्यों कि आप जिस सोसाइटी की बात कर रही हैं उसको तो आप और गंदा कर रहे हैं। 50 दफ़ा 50 चैनल पे सुबह से लेके शाम तक उस बच्ची के कपड़े में लपटी हुई लाश भी पड़ी हुई है। हम तो लाश नहीं दिखा सकते, हम तो वो जो फांसी का फंदा भी नहीं दिखा सकते, हम खून नहीं दिखाते, मना है। गन्स भी आप नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। और यहाँ पे ठा 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 हो रहा है, इससे ज़्यादा खराबी हो रही है। तो या तो आप पॉलिसी बनाएं कि मेरे हमारे पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, तो फिर न्यूज़ भी नहीं दिखाएं जी। जब न्यूज़ दिखाएंगे तो उससे स्टोरी आप कहाँ से लाते हैं, सोसाइटी से लाते हैं। तरीक़ेकार पे करें कि इसको गलत ना करें, और मेरे हिसाब में बहुत ज़रूरी है बनना, नहीं तो क्या भला बनाए। पेमना ने ये भी कहा तलाकें ना दिखाएं, बातों बातों में हमें ये भी बताया गया कि गवर्नमेंट कहती है तलाक ना दिखाएं, तलाक ना दिखाएं, चाइल्ड अब्यूज ना दिखाएं, चाइल्ड मैरिज ना दिखाएं, जारी बच्चे को लेके कमरे में भेजा, वो भी कितना अच्छा था मेरा कश्पा जो चाइल्ड अब्यूज का था, वो चाइल्ड मैरिज आप ये भी ना दिखाएं। बच्चे जो आजकल करते हैं सोशल मीडिया पे, ये भी ना दिखाएं कि फंस गई फिर वो हो गया कि इस तरह, तो वो सीखेंगे। आप क्या बात करते हैं इस मुल्क में, जहाँ पे मेरी माई आज सुबह मुझे कह रही थी कि वो कहते थे कि ऑनलाइन आए, हमारे पास तो टेलीफोन भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं। मतलब 4 महीने क्या सबके पास ऑनलाइन का था बंदोबस्त? नहीं था। तो अगर ये चीज़ें हम करें, गवर्नमेंट पे नहीं चलाएं, कुछ चीज़ों पे तो मैं भी कहती हूँ नहीं होना चाहिए। आप स्टेट के खिलाफ बात नहीं करें, आप रिलीजन के खिलाफ बात नहीं करें, आप कलर हस्ब नस्ब की बात ना करें, इंसानों की गलतियों की अगर बात करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं फिर वही कहती हूँ, ज़रूर दिखाना चाहिए, तरीक़ेकार सही होना चाहिए, और अगर आप समझते नहीं तो फिर ये आपके जो न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है उससे ज़्यादा वो मुतासर होते हैं कि यार अच्छा रोड पे भी पकड़ी जा सकती है औरत, अच्छा बच्ची को उठाया भी जा सकता है, इस तरह से निशान भी मिटाया जा सकता है। और कहते हैं कि पाकीज़ा रिश्तों को पामाल न करें, पाकीज़ा रिश्ते पामाल नहीं होने चाहिए, लेकिन पाकीज़ा रिश्ते जो कर रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ करूं। जब न्यूज़ में दिखाते हैं तो क्या होता है, एटलीस्ट ड्रामों में उनका बुरा अंजाम तो दिखने को मिल रहा है हमें, न्यूज़ में तो पता ही नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, और हर वक्त औरत ही गलत कर रही है।